हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो टुडे सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिक्स एंड टॉपिक इज फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पार्ट सेकंड। इसमें हम पढ़ेंगे प्रूफ स्पिरिट कैलकुलेशन। प्रूफ स्पिरिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले, इन इंडिया द एक्सरसाइज ड्यूटी इज द कैलकुलेटेड द टर्म रुपीज पर लिटिल लीटर ऑफ प्रूफ एल्कोहल। सो मैनी परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इंटू प्रूफ स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा बाई यूजिंग द फॉलोइंग मैथड। इंडिया में क्या है कि बहुत सी एक्सरसाइज ड्यूटी कैलकुलेट करी जाती है रुपीज़ पर लीटर और प्रूफ एल्कोहल के लिए। सो मैनी परसेंटेज वॉल्यूम, कई परसेंटेज वॉल्यूम के लिए एल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए प्रूफ स्ट्रेंथ या उसके अलावा भी मैथड्स यूज़ किए जाते हैं। मल्टीप्लाई द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल बाय 1.753 एंड डिडक्ट 100 फ्रॉम द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे जो भी स्ट्रेंथ होगी अल्कोहल के परसेंटेज की, उसको 1.753 से और 100 से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। द रिजल्ट, इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव इज नोन एज ओवर प्रूफ। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसे ओवर प्रूफ कहते हैं, अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो उसे अंडर प्रूफ कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे क्या है, 15.7 वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल 57.1 वॉल्यूम है 100 ml ऑफ प्रूफ स्पिरिट, ठीक है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 57, तो ये 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट आ गया। एग्जांपल आते हैं प्रूफ स्पिरिट की कैलकुलेशन। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 30 ओवर प्रूफ एंड 40 अंडर प्रूफ। तो 30 ओवर प्रूफ पे 100 प्लस 30 इक्वल्स टू 130, और अगर इसको अंडर प्रूफ करना है तो 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अल्कोहल स्ट्रेंथ। अल्कोहल स्ट्रेंथ में क्या करना था, आपका 100 हो गया, तो 100 प्लस 30 अपॉन 1.753, यही बताया था, 1.753 से डिवाइड करना है और 100 से ऐड करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, जो भी आया 74.15। और अगर अल्कोहल की स्ट्रेंथ अंडर प्रूफ है तो क्या करेंगे, 100 माइनस 40 अपॉन 1.753, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इफ द स्ट्रेंथ इज 74.15%, देन ये हमारी क्या है, 74.15%, तो वहाँ पे रखेंगे 74.15 इंटू 1.753 माइनस 100, डिटेक्ट करेंगे 100 से तो हमारा कितना पॉजिटिव आया, तो ये हमारी ओवर प्रूफ है, ठीक है। प्लस 29 या 30 आ रहा तो ये हमारी ओवर प्रूफ है। इफ स्ट्रेंथ इतनी है अगर तो हमारा ला रहे तो फिर ये हमारा माइनस में आ रहा, तो ये हमारा अंडर प्रूफ है, ठीक है। व्हाट इज द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल। प्रूफ स्ट्रेंथ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, तो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इंटू 1, यही बताया था, जो भी स्ट्रेंथ हो एल्कोहल की उसको मल्टीप्लाई करना है 1.753 से, फिर माइनस करना है 100 से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, तो आपका 95% है, तो 95% इंटू 1.753 माइनस 100, तो ये आप कैलकुलेट करने के बाद आपका पॉजिटिव में आ गया। अगर पॉजिटिव आया तो हमारा क्या होगा, ओवर प्रूफ होगा, अगर निगेटिव आता है इसी जगह तो हमारा अंडर प्रूफ होता। अब इसमें आते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, हाउ मैनी प्रूफ गैलेंस आर कंटेन द 5 गैलेंस 70% वॉल्यूम बाय। अब आता है वैल्यू ऑफ प्रूफ इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इंटू 1.753 माइनस 100, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी, 70 इंटू, तो ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद 22.71 आ गया, तो ये हमारी ओवर प्रूफ है। अब 100 गैलन के लिए 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल है, तो इतना आ रहा है 122.71, तो 1 गैलन के लिए 122.71 अपॉन 100, तो 5 गैलन के लिए 122.7 इंटू 100 अपॉन 5 आ जाएगा। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद 6.1355 गैलन पर ऑफ प्रूफ स्पिरिट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर
और इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जिनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो और इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो, वो हमारे आइसोटोनिक। 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड द पासेस थ्रू द एन ऑस्मेटिक प्रेशर, हेंस द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। 0.9% सोडियम क्लोराइड जो है वो कंसीडर्ड कराया गया ऑस्मेटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ब्लड और प्लाज्मा के, ठीक है। एनी कंसंट्रेशन अबव दिस, अगर किसी की कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक कहलाएगा, और बिलो है तो वो हमारा हाइपोटोनिक कहलाएगा। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट कैसे कहते हैं, मॉलिकुलर कंसंट्रेशन मेथड से, वाइट विंसेंट मेथड से, NaCl इक्विवेलेंट मेथड से, और FP डिप्रेशन या क्रायोस्कोपिक मेथड से। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला ये है आपका, परसेंटेज वेट अपॉन एडजस्ट सब्सटेंस नीडेड 0.52 माइनस PSM इंटू ए अपॉन बी। PSM हमारा क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, एंड ए है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टेड सॉल्यूशन, बी हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट एट 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन एडजस्टिंग, ठीक है। फिर उसके एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल क्या दिया है, यूजिंग क्रायोसोनिक मेथड हाउ विल यू प्रिपेयर 1% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोऑस्मेटिक विद ब्लड प्लाज्मा। हिंट क्या दिया गया, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% जो बोरिक एसिड 0.288 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इतना है। तो आप नोट कर सकते हैं, आपको PSM 1 दे दिया गया है, और जो आपका A है वो 0.288 दे दिया गया, और जो आपका B है वो 0.576 दे दिया। कैलकुलेट करेंगे तो 0.402 आ जाएगा। ओके, अब आते हैं NaCl इक्विवेलेंट मेथड। इसमें क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ NaCl रिक्वायर्ड द एडजस्टोनिसिटी इक्वल्स टू 0.09 माइनस PSM इंटू ई। PSM क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, ई क्या है, NaCl इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर आते हैं वाइट विंसेंट मेथड। वाइट विंसेंट मेथड में क्या है, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू ई इंटू 111.1, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन ml दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग ड्रग इन वाटर, और w क्या है, वेट ऑफ द ड्रग, और e क्या है, NaCl ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर आते हैं मोलर और मॉलिकुलर कंसंट्रेशन फॉर्मूला। जो इसका क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड 0.03 m अपॉन n। m क्या है, ग्राम मॉलिकुलर वेट, और n क्या है, नंबर ऑफ आयन इनटू द सब्सटेंस इन आयनाइज्ड, ठीक है। प्रॉब्लम, हाउ टू प्रिपेयर एन आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन यूजिंग द डेक्सट्रोज। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन को डेक्सट्रोज में यूज करके कैसे बनाया जाता है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज इक्वल्स टू 180 ग्राम, तो w इक्वल्स टू 0.03 m, ठीक है। तो w इक्वल्स टू 0.03 इंटू 180, ठीक है, और अपॉन n जो है वो आपका 100 है, तो अपॉन n हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करके आप लिख लेंगे। ओके, अब आते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है, पोसोलॉजी आप सभी जानते हैं, ये एक मेडिसिनल साइंस की ब्रांच है, जिसमें क्या हम ड्रग डोज कैलकुलेशन से डील करते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, यंग फार्मूला क्या होता है, ये हमारे 12 ईयर के एज के बच्चों के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये डोजेस फॉर द चिल्ड्रेन 12 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, आप ये एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें चाइल्ड की एज 5 दे रखी है, तो आप एज अपॉन एज जो है वो आपकी 5 है, तो एज की जगह पे 5 रख दीजिए। एडल्ट डोज 400 mg दे रखा है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 117 mg एक्सप्लो। फिर आते हैं डीलिंग्स। डीलिंग्स में क्या है, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज, ये 4 से 20 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। 4 से 20 साल तक के बच्चों के लिए इसको
यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल भी आप देख लीजिए, इसमें क्या है, एज 10 ईयर दे रखी है और एडल्ट डोज 600 mg दे रखा है। कैलकुलेट करेंगे तो 300 mg आएगा। फिर फ्राइड फार्मूला, डोज फॉर चाइल्ड एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ये फार्मूला जो है इन्फेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक है। इन्फेंट्स के लिए ये फार्मूला, फ्राइड फार्मूला जो है वो इन्फेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, 8 मंथ का है चाइल्ड, तो 8 अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज 250 दे रखा है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका 13.3 ग्राम हो जाएगा। फिर आते हैं कटजल रूल। कटजल रूल बॉडी वेट के हिसाब से अब आते हैं। कटजल रूल क्या होता है, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद। डोज फॉर द चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। द एवरेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया फॉर एन एडल्ट, एडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया कितना, 1.73 मीटर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। डोज फॉर चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दिया गया है आपको, सरफेस एरिया दे दिया गया है, एडल्ट डोज दे दिया गया है, तो 0.75 सरफेस एरिया है, 1.7 डिवाइडेड बाय 1.73 इंटू 50 इक्वल्स टू जो भी आपका आएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्लार्क रूल। क्लार्क रूल क्या है, डोज वेट इन एलबी अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। अगर एलबी में वेट है तो आप 150 करेंगे, और अगर वही वेट केजी में आपको दिया गया तो अपॉन 70 करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए, आपको 5 mg पर केजी दिया गया है, तो 5 mg पर केजी दिया गया है अगर, ठीक है। द डोज ऑफ ड्रग इज 5 mg पर केजी वेट, हाउ मच द ड्रग रिक्वायर्ड द बॉय 12 ईयर वेइंग द 21 kg, 21 kg के वेट के बच्चे के लिए कितना देना है। तो 21 kg अपॉन 70 इंटू 5 mg, एडल्ट डोज जो है वो आपका 5 mg दिया गया है। फिर आते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया। तो ये क्या है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग मॉस्ट्रेल रूल। मॉस्ट्रेल रूल क्या है, BSA m² इक्वल्स टू अंडर रूट HT इन सेंटीमीटर, हाइट यानी कि हाइट इन सेंटीमीटर इंटू वेट इन kg अपॉन 3600, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द BSA ऑफ बॉय ऑफ हाइट 165 सेंटीमीटर एंड वेट 65 kg। तो कैलकुलेट करेंगे, हाइट आपकी हो गई तो 160 इंटू 65 अपॉन 3600, तो आपका अंडर रूट के अंदर 2.979 आएगा। अगर इसको रूट के बाहर लाएंगे तो 1.726 आएगा। सो थैंक यू क्लास।